ये जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए दुखद है। बच्चे के माँ बाप घर में होते हैं, विद्यालय में उसके माँ बाप हम लोग होते हैं। हमें ना कंप्लेंट बच्चे के गार्जियन से है, ना बच्चे से। जो घटना घटित हो गई उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते। एक संजोग है, हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते श्रेया से, लेकिन श्रेया के परिवार वालों से पूरी सहानुभूति है। श्रेया के सगे ताऊ जी हमारे यहाँ 30 साल से अध्यापक हैं, वो भी इसी कॉलेज के पात्र हैं, मतलब सदस्य हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो यहाँ की डिसिप्लिन से वाकिफ़ हैं। हमें सिर्फ जो विरोध करना है, समाज के जो बैड एलिमेंट हैं, जो इसको हवा दे रहे हैं, जो वो समाज के चिंतक नहीं हैं, वो बता दें इस आजमगढ़ में क्या विकास का योगदान दिया। हम लोग तो आजमगढ़ में 1977 में स्कूल खोले, जब लोगों को ICSE की मीनिंग नहीं पता थी और यहाँ शिक्षा को एक दिशा दी। आज CBSE का पहला कॉलेज हम लोगों ने खोला। आज ज़िले में कम से कम 62 CBSE कॉलेज हैं, 3 ICSE कॉलेज हैं, UP बोर्ड हैं, तमाम बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, ये तो एक संजोग है। बच्चे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा का पूरा परिवार साफ हो जाता है, लेकिन दुख तो होता ही है जिसके बच जाते हैं। ये जो आज आप काली पट्टी बांध के पूरे प्रदेश में एक साथ विद्यालय के लोगों ने बंद, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जांच के हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जेल भेज दिया। अगर वो सिर्फ जो लोगों के, कुछ लोगों के कहने में, जो अनवांटेड लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके कहने पर उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, पहले अगर वो जाँच किए होते, विवेचना किए होते, सारा फैक्ट आया होता, अगर हम दोषी हमको सजा दीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिना आप जांच किए, बिना विवेचना किए हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जो आपने जेल भेज दिया, उसके विरोध में आज पूरा प्रदेश खड़ा है, सारे स्कूल का संगठन खड़ा है, विधान परिषद जो हम लोगों का वोट लेते हैं, जो MLC हैं वो भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं विधान परिषद में, हम लोग इसके विरोध में हैं। सवाल यही है कि जो पुलिस ने कार्रवाई करने के नाम पे बताया, CCTV फुटेज साक्ष में रखा, साक्ष संकलन किया है, ब्लड गायब करने की बात की, तो क्या इसके एवज में आप लोगों ने कभी बात की? सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट, कोई बात करने की तैयारी नहीं, जो जा रहा है उसको बैठा ले रहे हैं, हमारे जो टीचर को पकड़ो, मैनेजर को पकड़ो, जो कह रहे हैं, जो जो समाज के सेवक पहले उनसे तो पूछें, जो तमाम हम लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया क्या है, र्यूमर है, और र्यूमर इज ए डेंजरस फॉर द कंट्री। ये पूरा हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी परेशान है सोशल मीडिया से, जिसके बारे में जो चाह रहा है लोग बक दे रहे हैं, फ्रीडम है सोशल मीडिया पे, तो कुछ भी तो कर सकते हैं। सब जुडिस है, अब कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो न्यायालय के बाद फिर आप लोगों का ये विरोध करना कितना? बिल्कुल करना है कि ये कभी ये घटना फिर दोबारा रिपीट ना हो। हम तो शिक्षा दे रहे हैं ना, हम तो प्रशासनिक, जो प्रशासनिक है वो भी स्कूल से पढ़े हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भी डंडा मार खाए होंगे, उनको पता नहीं है कि टीचर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उनको बात करनी चाहिए टीचर से, प्रिंसिपल से, बच्चों से। सारे बच्चे हमारे आज बयान दे रहे हैं कि हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारे टीचर ने कुछ नहीं किया, उस बयान को भी देखें,